जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, सलमा और नसीर की कुर्बतें भी बढ़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ जुल्फ़िकार और सलमा के आपस में ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे थे। लेकिन सलमा इन सब बातों से बेनियाज थी, उनको इन चीज़ों की फ़िक्र ही नहीं थी कि जुल्फ़िकार का रवैया दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। और जुल्फ़िकार जब भी सलमा को नए कपड़ों में देखता या घर पे कोई भी नई चीज़ देखता तो वो भड़क उठता। आज तूने फिर ये नया सूट पहन लिया, कहाँ से लिया ये? तो क्या फटे पुराने कपड़े पहनूं तो तू खुश होगा? ये अपने कपड़ों को तो देख, ये जिस तरह के तू फैशन करती है ना, ये वरी हमारे घरों में नहीं चलते हैं। तेरे घर में कुछ होगा तो चलेगा ना, खाना तो मिलता नहीं है, कपड़े मिलेंगे। हाँ जबान देख किस तरह चलती है तेरी, कुत्ते की तरह, जो मुंह में आता है बकवास करती है। अगर अब बोली तो ये जबान काट कर फेंक दूंगा। जैसी तेरी जबान है वैसी मेरी जबान भी चलेगी। हाँ अभी तेरे को बताता हूँ। बेशरम सलमा दरअसल नसीर की दौलत की लालच में आकर उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी, और वो उसके साथ ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और वो इस बात को भी जानती थी कि जुल्फ़िकार के पल्ले तो कुछ अब रहा नहीं, या उसके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए वो नसीर की तरफ ज़्यादा माइल होना शुरू हो चुकी थी। और इसलिए वो जुल्फ़िकार की किसी भी बातों का नोटिस भी नहीं लेती थी। और अगर कभी जुल्फ़िकार उससे पूछता भी कि तू सारा सामान, ये नया कपड़ा, ये सब कुछ कहाँ से आया, तो वो इन बातों का जवाब ना देती बल्कि उससे ज़बान दराज़ी करती। नसीर ने पुलिस को मज़ीद ये भी बताया कि सलमा ने ख़ुद ही जुल्फ़िकार के कत्ल का फैसला कर लिया था और इसे फ़ोन करके बुलाया। बाबा हुआ क्या है, आखिर कुछ पता तो चले। जुल्फ़िकार का कहना है कि मैं तुझसे ना मिला करूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। उसको तो छोड़ दूंगी लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकती। तो ठीक है पापा, ठीक है, इस बारे में कुछ सोचते हैं, तू इसकी फिक्र ना कर। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैंने अब फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? हम अपने रास्ते में किसी को नहीं आने देंगे। मैं अपनी सारी जिंदगी तेरे साथ गुजारूंगी, सिर्फ तेरे साथ। चाहता तो मैं भी यही हूं, मगर अगर मगर कुछ नहीं, हम दोनों मिलकर जुल्फ़िकार को मार दें। मगर कैसे? ख्वातीन में देखा गया है कि क्यों इस तरह से करती हैं, तो तीन रीजंस। एक, जब उनके पर्सनल सेफ्टी को कोई थ्रेट महसूस होता है उन्हें, या उनके बच्चों की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट होता है, या उनकी अपनी ज़ात जिसे हम सेंस ऑफ सेल्फ कहते हैं, जब उसको वो थ्रेट महसूस करती हैं, तो ये वो स्टेज है कि जहाँ आके वो अपना एग्रेशन जो है या अपना जो एंगर कंट्रोल है वो लूज़ कर जाती हैं और वैसा स्टेप उठा लेती हैं। और फिर उसने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब को चुना। ये ले चाय पी। अब देख इंसान लग रही है ना, मैं भी यही चाहता था कि इस तरह के कपड़े पहना कर, उस तरह के कपड़े हमारी औरतों को जेब नहीं देते। अब पहन तो लिए, मान तो लिया तेरा कहना, चाय पी तू। पुलिस तफ्तीश से ये बात सामने आई कि सलमा जुल्फ़िकार को कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुकी थी, और उसने इसको कत्ल करने के लिए ख्वाबावर गोलियां भी हासिल कर ली थी। क्योंकि वो नसीर की दौलत के ऊपर ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, इसके लिए वो हर कदम उठाने को तैयार थी।
राजा बस। गुलाम नसीर ने पुलिस को मजीद बताया कि 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब में सलमा ने उसे कॉल की और वो रोते रोते उसे ये कह रही थी कि वो जल्दी से घर आ जाए, सारा काम तैयार पड़ा हुआ है। और जब ये जल्दी से घर पहुंचा तो इसने देखा कि जुल्फिकार चारपाई पर बेहोश पड़ा हुआ था। क्या करें? करना क्या? मैं कुछ करती हूँ। नसीर ने पुलिस को मजीद ये बताया कि सलमा ने रोते रोते उसको इस बात पर आमादा किया कि वो जुल्फिकार को कत्ल कर दे और फिर वो उससे शादी कर लेगी। और नसीर भी उसके प्यार के चुंगल में फंस गया और उसकी बातों में आकर उसने सलमा के साथ मिलकर जुल्फिकार को कत्ल किया। जुल्फिकार को कत्ल करने के बाद भी सलमा की बेहिसी ख़त्म ना हुई और वो लाश की मौजूदगी में ही नसीर के साथ रंगरलियों में मशगूल हो गई। और फिर रात का जब कुछ पहर गुजरा तो इन दोनों ने गली में झांक कर देखा कि कोई नहीं है और फिर इन्होंने लाश को पुराने घर में ठिकाने लगाना मुनासिब समझा। पहले तो नसीर का ये प्लान था कि आज कराची में जो हालात चल रहे थे कि लाश बोरी में बांध के फेंक देते थे, पहले इसका ये प्लान था, मगर वो ये कर नहीं सका। और उस वजह से ही लेके अपने घर ले गया, और घर नहीं ले जाता तो शायद हमें थोड़ी और मुश्किल हो जाती ढूंढने में। मगर बेगुनाह कत्ल हुआ है तो उसका रंग लाया और खुदा ने उसको ये सज़ा दी है और इंशाल्लाह ये सज़ा से बच भी नहीं सकता। सलमा के केस में जो मुझे मेजर फैक्टर्स लगते हैं कि जो उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया, उसमें कहीं ना कहीं उसके पर्सनालिटी वेरिएबल्स लाइक जो उसकी फैमिली एनवायरनमेंट ने उसकी पर्सनालिटी बिल्ड करने में रोल प्ले किया, उसके फिज़िकल इमोशनल प्लस सेक्सुअल नीड्स थी जो कि अनसेटिस्फाइड थी एक शख्स से, और जहाँ उसे वे आउट मिला कि शी कैन सेटिस्फाई, ठीक है, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए वो इस एक्सट्रीम तक चली गई। सईदाबाद पुलिस ने मकतूल के भाई आशिक हुसैन की मुदैयत में मुलजिमा सलमा और नसीर के ख़िलाफ़ मुकदमा नंबर 510/2011 दर्ज किया और मुलजिमान की निशानदही पर 7 दिन पुरानी लाश उनके पुराने घर से बरामद की।